सेंसेशन होने के बावजूद आमिर खान की फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पे इतिहास रच दिया, और इतिहास भी ऐसा जिसे आने वाले वक्त में शायद ही कोई फिल्म छू पाए या तोड़ पाए। आमिर ने अपने अभिनय से फिल्म दंगल में इस बात को साबित कर दिया कि कंटेंट इज ऑलवेज अ किंग। फिल्म की अगर पहले दिन की कलेक्शन की बात करी जाए तो 29.78 करोड़ फिल्म ने पहले दिन में कमाए। फिल्म दंगल को हिंदुस्तान में 4300 स्क्रीन्स में और आउट ऑफ इंडिया 1000 स्क्रीन में रिलीज करा गया, और फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन है 29.78 करोड़, विच ऑल्सो इंक्लूड्स तेलुगू एंड तमिल वर्जन कलेक्शन। दंगल ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि एडवांस बुकिंग के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर बुक माई शो के CEO आशीष सक्सेना की मानी जाए तो अब तक की सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग अगर कोई हुई है तो फिल्म दंगल की हुई है। पहले दिन के कलेक्शन के बाद जिस तरह से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी और लोगों को फिल्म दंगल के बारे में पता चलेगा, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म सैटरडे के दिन यकीनन 40 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। उसका अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि पहले दिन का कलेक्शन 29.78 करोड़ से, जो आमिर खान की लोकप्रियता और फिल्म दंगल की लोकप्रियता को अपने आप दर्शाता है और इस बात की तरफ तस्दीक करता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि फिल्म सैटरडे को, क्योंकि छुट्टी होगी, लोग अपने घरों से निकलेंगे, फिल्म देखने जाएंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का भी असर पड़ेगा, यकीनन फिल्म सैटरडे को 40 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, इस तरह का अनुमान हम लगा सकते हैं।